हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल अगेन। हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में ये तीसरा वीडियो है बेटा, जिसमें हम लोग क्लास टेंथ की पढ़ रहे हैं। क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाले चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर सब्जेक्टिव, है ना बेटा? और इससे पहले अगर आपने नहीं देखा वीडियो, इससे पहले दो वीडियो और डले हुए बेटा, जिसमें हमने 24 क्वेश्चन पहले करवाए, यहाँ 25वां सवाल शुरू हो रहा है इस चैप्टर का, ठीक है? और हम बहुत ही क्रमिक तौर पर चल रहे हैं बेटा। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के हर एक पन्ने से जितने सवाल बनाए जा सकते हैं, अभी शुरुआत नहीं है, है ना? अभी बीच में हुआ है, अभी इसके बाद एक दो वीडियो और बनेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव पॉसिबल ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेंगे इस चैप्टर के, उसके बाद सब्जेक्टिव सवाल पर शुरू करेंगे, ठीक है? तो बेटा अगर आप नए नए हैं तो इससे पहले वाला दो वीडियो देख लीजिए, है ना? और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करिए, और आपको बहुत अच्छा मजा आने वाला है इस पूरी सीरीज में। बढ़िया बढ़िया सवाल, एक नंबर का सवाल बेटा, हर सवाल इसी यहीं से आएगा आपके पेपर में, गारंटी है बेटा, गारंटी यहीं से आने वाला है सारे क्वेश्चन, ठीक है? आओ सवाल को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। 25वां क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, कह रहा है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड, कह रहा है कि प्रोडक्ट के बनने के साथ हीट भी जिस रिएक्शन में निकलती है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिसमें हीट निकलती है प्रोडक्ट बनने के साथ उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जिसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट देनी पड़ती है उसको इंडोथर्मिक कहते हैं। बाकी थर्मोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस बेटा अलग चीज़ है। थर्मोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, डीकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट, है ना? हीट करके तोड़ना, थर्मोलिसिस, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, है ना? यूजिंग हीट, ब्रेक डाउन यूजिंग हीट उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा? तो बढ़िया सवाल है, सुंदर क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, विच इज हर क्वेश्चन बेटा ये इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन, हर छोटा सा छोटा क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को देगा बेटा, करेगा। विच इज नॉट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी एक्सोथर्मिक नहीं है, है ना बेटा? कह रहा कौन सा एक्सोथर्मिक नहीं है, है ना? मतलब इसका मतलब अगर एक्सो नहीं है तो कुछ और होगी, इंडो हो सकती है, है ना भैया? अगर आपने पढ़ा हो तो कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम जब पानी के साथ मिलता है तो बनता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, और प्लस बेटा इसमें हीट निकलती है, प्लस इसमें क्या निकलती है बेटा, हीट रिलीज होती है, बड़ी हीट निकलती है बेटा, ज़्यादा हीट निकलती है, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। मीथेन, मीथेन एक गैस है जिसको बेटा ऑक्सीजन के बेसिस में बर्न कर रहे हैं, और कोई बेटा कंबसन करते हैं तो हीट क्या होती है भैया, रिलीज होती है, इसमें भी हीट निकलेगी, ये तो एक्सोथर्मिक है। उसने पूछा नहीं है कौन सी भैया, कार ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, नहीं पता है तो याद कर लो ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस, हमने पढ़ा है बेटा बायोलॉजी के रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग कि ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, साथ में हीट एनर्जी निकलती है, वो हीट एनर्जी को हम लोग एटीपी में कर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? तो बेटा ये भी कैसी है, एक्सोथर्मिक है भैया। लेकिन यहाँ देखो AgCl को Cl और Ag और Cl में तोड़ रहे हैं बेटा, इनके बीच को बॉन्ड को तोड़ा गया है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी होगी, है ना बेटा? तो बेटा अब ये एक तरीके, यहाँ बेटा हम जानते हैं, पढ़ते हैं, ये सनलाइट हम लोग देते हैं, और सनलाइट देने से बेटा ये टूट जाता है, मतलब ये बेटा एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो बेटा ये एक्सोथर्मिक नहीं है, उसने पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये वाली एक्सोथर्मिक नहीं है। आगे सुनो बेटा, मैं हर एक चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट है। इसको क्विक लाइम कहते हैं, इसको स्लैग लाइम कहते हैं, पता, इसको ग्लूकोज कहते हैं, ये मीथेन है, ठीक है? आगे देखो, इसको ये रखना, AgCl बेटा वाइट कलर का होता है, जो Ag में बनता है तो Ag ग्रे कलर का होता है, पता होना चाहिए आपको। विच इज एक्सोथर्मिक, कौन सी एक्सोथर्मिक है भैया, पूछ रहा है कौन सा एक्सोथर्मिक है, कह रहा है बर्निंग ऑफ कोल, या बेटा लिख के आएगा कम्बशन, ठीक है? तो बर्निंग ऑफ कोल बेटा, कम्बशन करोगे, जलाओगे, आग जलाओगे तो हीट निकलेगी, तो एक्सोथर्मिक है। सेलुलर रेस्पिरेशन, अभी बेटा अपना सेल के अंदर रेस्पिरेशन जब होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ATP बनती है, मतलब हीट जनरेट होती है बेटा वहाँ पर, तो ये भी क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक है। डीकम्पोजिशन ऑफ बायोटिक मैटर, है ना बेटा, डीकम्पोजिशन ऑफ बायोटिक मैटर, ध्यान रखना बेटा, जो डीकम्पोजिशन है वो भी बेटा क्या है, है ना, रेस्पिरेशन, कंबसन और डीकम्पोजिशन, ये सब बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अति अति इंपॉर्टेंट, लिख लो अपनी, है ना, मैंने कहा पहले भी, इससे पहले कहा है, आप इस सारे क्वेश्चनों की क्वेश्चन बैंक बनाइए, अपनी कॉपी में लिखते जाइए, है ना, तैयारी करिए,
टाइम है पढ़ने का, पढ़ते रहिए, सवाल अच्छे, एग्ज़ाम बढ़िया होगा अपने आप बेटा, पढ़ाई करिए, है ना। तो बेटा एग्जाम में कोई भी आ सकता है ना, इस तरीके से बेटा पढ़ लीजिए कि डीकम्पोजिशन, ठीक है, मतलब सड़ाना, डीकम्पोजिशन ऑफ बायोटिक मैटर, मतलब लिविंग मटेरियल को सड़ाना और उसको खाद बनाना, कंपोस्ट बनाना, क्या कहलाता है डीकम्पोजिशन, है ना। तो बेटा डीकम्पोजिशन भी बेटा कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, याद कर लीजिए। अगला सवाल, बढ़िया सवाल, विच कंपाउंड हैज अ ग्रीन कलर क्रिस्टल, कह रहा कौन सा कंपाउंड है जिसका क्रिस्टल जो होता है बेटा वो ग्रीन कलर का होता है, है ना, क्रिस्टल उसका ग्रीन कलर का होता है, भैया बताओ कौन सा है। भैया दिया हुआ है इसमें क्या क्या, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, भैया इसका आंसर होता है फेरस सल्फेट, क्या होता है बेटा फेरस सल्फेट, भैया Fe SO4.7H2O, ये क्रिस्टल है जो कि ग्रीन रंग का होता है, याद कर लीजिए, नहीं याद है तो मैंने हरे रंग से लिखा है, हरा होता है कौन, अस फेरस, फेरस अस ग्रीन है बेटा, कौन फेरस, है ना, फेरस सल्फेट क्या है ग्रीन कलर का है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, याद कर लीजिए इसका क्रिस्टल ग्रीन है। बढ़िया सवाल, अगला सवाल बेटा, विच कंपाउंड इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सवाल बहुत बार आ सकता है, आया हुआ है, आ रहा ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई वालों ध्यान दो, कह रहा है मेजर सीमेंट में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा होता है, है ना भैया। तो याद रखना बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड अथवा जो क्विक लाइम होता है, है ना, वो सबसे सीमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसको, गलत मत करके आना, ठीक है, नोट इट, लर्न इट। व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, व्हेन डीकम्पोजिशन, ठीक है बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाई हीटिंग, कह रहा है अगर हम डीकम्पोज करें, ब्रेक करें, तोड़ें, है ना, हीट का इस्तेमाल करके, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों हमने अभी बात की थी थर्मल, मतलब होता है थर्मामीटर, है ना बेटा, थर्मल और लिसिस, थर्मल लिसिस, थर्मोलिसिस मतलब हीट का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिकसिटी का इस्तेमाल करके लिसिस करना, उसने कहा हीट का इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिकसिटी का इस्तेमाल करके लिसिस कर सकते हैं, फोटो, फोटो मतलब लाइट, है ना, सनलाइट और लाइट का इस्तेमाल करके हम अगर तोड़ते हैं उसको फोटोलिसिस कहते हैं। तो उसने पूछा डीकंपोजिशन अगर हीट को इस्तेमाल करें तो क्या बोलते हैं बेटा, ये बोलते हैं थर्मोलिसिस, बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस, लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो बोलते हैं फोटोलिसिस, याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बेटा, विच रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोलिसिस, कह रहा कौन सा थर्मोलिसिस का उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो भैया देखो ये भैया इसको तोड़ा जाता है, जब तोड़ते हैं भैया तो इसको हीट करना पड़ता है, हीट करते हैं तब बेटा ये रिएक्शन भी आपको, ये रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए बेटा, ये यही है फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो फेरिक और फेरस ऑक्साइड बनता है, क्या फेरिक ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड फिर SO2 और SO3 गैस बनती है। तो बेटा ये कैसी रिएक्शन है, है ना, थर्मोलिसिस वाली है, मतलब इसमें हीट देनी पड़ेगी, उसने पूछा कौन सी नहीं है, भैया ये कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना पड़ता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड करने के लिए हीट करना पड़ता है। फिर बेटा लेड नाइट्रेट बेटा इसको तो याद ही करके जाना एग्जाम में, बैलेंस करने के लिए न जाने कितनी बार आई है, दोबारा भी आ सकती है, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, 2 × 4 2 × 2 = 4 2 × 2 = 4 2 × 2 = 4 और उसमें 1 है इसमें, है ना, और 2 में 1 ही होता है क्योंकि जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। तो बेटा सुनो जरा, लेड नाइट्रेट को जब हम लोग तोड़ते हैं, हीट करते हैं, तो बेटा वो लेड ऑक्साइड, है ना, लेड ऑक्साइड और NO2 में टूट जाता है, लेड ऑक्साइड और NO2 में टूटता है, साथ ही साथ बेटा O2 गैस भी बनती है, ठीक है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना, इट्स ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इनकी सारी रिएक्शन, ये क्वेश्चन भले ना आए लेकिन ये इस रिएक्शन में से सवाल आ जाते हैं बेटा, है ना, तो सब बेटा देखना जरूरी है। फिर लास्ट में बेटा ध्यान दो, कह रहा है कौन सा थर्मोलिसिस नहीं है, तो बेटा यहाँ पर थर्मोलिसिस नहीं है, यहाँ पर बेटा सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो भैया ये फोटोलिसिस वाली रिएक्शन है, कौन सी, फोटोलिसिस वाली रिएक्शन है, ध्यान रखने का। AgCl वाइट कलर का होता है, सनलाइट पड़ने से ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्रे कलर का कन्वर्ट हो जाता है, Cl ग्रे कलर, Ag मतलब सिल्वर ग्रे कलर का होता है,
Which reaction is used in black and white photography? बहुत important question है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा आपको, ये सवाल पढ़िए ज़रूर। करा कौन से reaction है जिसको black and white photography में इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों पहली वाली याद कर लो, यही है black and white photography में इस्तेमाल करने वाली reaction, बाकी कोई भी port है ना नहीं इस्तेमाल होती बेटा किसमें, photography में black and white photography इस्तेमाल पहली वाली reaction होती है, ध्यान रखना। अगला, थर्मोलिसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, वही बात है देखो, थर्मोलिसिस ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम, है ना, हम ब्राउन फ्यूम देखते हैं, वो फ्यूम किस गैस का है, वो फ्यूम किस चीज का है? तो बेटा याद रखना वो फ्यूम NO2 का है, किसका है, NO2 का है, ये देखो वो किसका है भैया, NO2 का है, वही थर्मोलिसिस हो रही है ना, कि वही कह रहा थर्मोलिसिस ऑफ लेड नाइट्रेट को जब तोड़ते हैं तो एक ब्राउन फ्यूम निकलता है, धुआं निकलता है ब्राउन कलर का, वो धुआं किसका है, तो भैया वो धुआं NO2 का है, ऑप्शन में NO, NO2, N2O, है ना, NO5, तो बेटा क्या है, NO2 ब्राउन फ्यूम निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप भैया एकदम समझ लो, एकदम टकाटक वाला सवाल ही आएगा ही। अगला सवाल और अंतिम सवाल, ठीक है, अ वाइट कलर कंपाउंड टर्न ग्रे इन सनलाइट, ऑल्सो यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, भैया दिया है AGCL, KCL, NACL, CSCL, भैया AGCL इज द आंसर, आता होगा तभी कर पाओगे, नहीं आता होगा ना तो चारों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, इसलिए पढ़ के जाओ मजे से सवाल करके आओ, बड़ी खुशी मिलेगी तुमको भी और तुम कमेंट करके बताओगे तो मुझको भी, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है भैया, चला बाय बाय बच्चों।